सारे माई भाई प्यार अति सत्कार सहित कज के फते बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की अपार अपार रहमत होई है, निरंकार ने उद्दम बख्शिया है, सतगुरु साहबान तुठे हैं जो आपू चल रही पाठां दे लड़ी का प्रवाह 196 लड़ी दे अज श्री खंड साहब संपूर्ण हुए हैं। वड़े भागे हाँ, सतगुरु जी तो हमेशा ही तुठे ने, साडियां कमियां हुण ताईयां नूं सतगुरु जी हमेशा ही माफ करते ने, पर कदों जदों आपां उन्हां दे बन जाईए। सब अवगुण मैं गुण नहीं कोए क्यों कर कंत मिलावा हो। तो गुरु प्यारी साध संगत, सतगुरु जी ने अपार अपार कृपा बख्शिश की है, ये जो पाठों के प्रवाह चल रहे हैं। धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का जो अकाल तख्त साहब वालों हुक्म होया कि साल भर ये जो 400 साल आगमन पुरब बनाना है, 400 साल आगमन पुरब न समर्पित और इस संहिता दे बानी धन धन प्यारे बाबा आनंद सिंह जी जिन्हों का 24 अगस्त तो लैके 28 अगस्त तक बरसी का दिहाड़ा आ रहा है। बरसी के दिहाड़े नूं समर्पित जो करोना वायरस की बीमारी संसार भर में फैली उसकी रोकथाम वास्ते कृति किसानों के संघर्ष में सफलता प्राप्त करने वास्ते सतगुरु जी के चरणों का ओट आसरा लिया गया, सतगुरु जी की बाणी का ओट आसरा लिया गया। तुरकी बाणी आई तिल सगली चिंत मिटाई, सर्व रोग का औखद नाम तप लाया गुर सृजन हार, सतगुरु अपने को बल जाए जन पैज रखी सारे संसार। तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास, ताको बिघन न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास। पाठां दी संपूर्णता ते सतगुरु जी ने हुक्मनामे बख्शे कीते ने। सोठ महला पंजवां, गुरपुरे चरनी लाया हर संग सहाई पाया, जै जाइए तहां सुहेले कर कृपा प्रभ मेले। जिसनों सतगुरु पूरा गुरु अपने चरनी ला लै ते ओदियां पौं बारां ने, पर पूरा गुरु होवे सतगुर बाजों गुर नहीं कोई न गुरे का है नाम बुरा, बिन गुर पूरे नहीं उधार बाबा नानक आखे इहो विचार। अज तां दब्बी ते पखंडी नकली गुरु बेंत बड़े फिरदे ने, जिहड़े कहिंदे ने कन्ना मुन्ना कर तूं मिला चला ते मैं तेरा गुरु, बहुत मत फैल चुके ने, पर कलयुग दे अवतार धन गुरु नानक पातशाह जी आए ने। हर युग विच अवतार आया है, वो समय समय मुताबक अपनी ड्यूटी बजा के गए ने, ते कलयुग दे अवतार धन गुरु नानक पातशाह जी। आप नारायण कला धार जग में परवरियो, वो कलपुरख नूं फुरदा मरिया इस लकाई नूं देखण दा, सरगुण स्वरूप धारण किया गुरु नानक दे जामे विच। कोई 12 कला संपूर्ण आया, कोई 14 कला संपूर्ण आया, कोई 16 कला संपूर्ण आया, पर धन गुरु नानक अणक कला लै ठाकर चढ़िया, पता नहीं कितनियां करनियां सकतियां दे मालक आप नारायण कला धार जग में। तो धन गुरु नानक पातशाह जी कलयुग के अवतार आए ने, उस ही जोत का प्रकाश धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह जी तक चलता रहा। ज्योत रूप हर आप नानक कहायो, तन ते अंगद भयो तत् सु तत् मिलायो, अंगद कृपा धार अमर सतगुर थिर कियो, अमरदास अमृत सतर गुर रामे दियो, गुर रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बैन, मूर्त पंच परवान पुरख गुर अर्जन पिखो ने। भट्ट कहिंदे ने कि जे धन गुरु अर्जन पातशाह जी दे दर्शन कर लईए गुरसिखो, तो पहले 4 गुरुआं दे दर्शन विच हो जांदे ने,
पहले चार गुरुआं दी जोत स्वरूप है धन गुरु अर्जन पातशाह। धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह दे चरणां विच रहण वाला भाई नंद लाल साहब फरमान करदे ने कि हमो गुरु गोबिंद सिंह हमो नानक है। तो कहिंदे मत जाणियो गुरु नानक होर है ते गुरु गोबिंद सिंह होर है। कहिंदे ओही गुरु नानक ओही गुरु गोबिंद सिंह जी ने। जे गुरु गोबिंद सिंह जी दे दर्शन कर लईए गुरसिखो ते पहले नौ गुरुआं दे दर्शन विच हो जांदे ने। हमो गुरु गोबिंद सिंह हमो नानक हित हमा सबदे उजारो मानकत। ते जे धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन कर लईए ते दसां पातशाहां दे दर्शन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विचों हो जांदे ने। दसां पातशाहां दी जोत स्वरूप धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। धन बाबा नानक सिंह जी ने बचन करना किसी भी रूप में तुसीं दर्शन करने चाहते हो, दसां पातशाहां दे किसी भी रूप में दर्शन करने चाहते हो तो तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विचों तुहानू दर्शनां दी प्राप्ति हो जाएगी। धन बाबा नानक सिंह जी गुरु नानक दे आपाशक सन, उन्हां दा ध्यान धरदे सन, उन्हां दे बाणी पढ़दे सन। प्रतख गुरु नानक पातशाह जी के धन गुरु ग्रंथ साहिब जी तो दर्शन किए भोग लवाए। आप दर्शन कर लेने कोई बड़ी वड्डी गल नहीं, पर बाबा जी ने बहुत सारे गुरु प्यारियां नूं दर्शन करवाए, ये वड्डी खासियत है। सो जागत जोत गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी है, जिस नज़रिए जिस जरिए दे नाल तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं तकोगे वह बख्शे तुहानूं प्राप्त हो जाए। सो आपां टेक रखनी है धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी। बिन गुर पूरे नहीं उधार, बाबा नानक आखे इहो विचार। ते पूरा गुरु गुरु नानक पातशाह दसे पातशाहियां गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुर पूरे चरणी लाया, हर संग सहाई पाया। वो पूरे गुरु दे चरण जिसने पकड़ ले ते बख्शसा ही बख्शसा ने। जै जाइए तहां सुहेले, कर कृपा प्रभ मेले। फिर जिते भी कोई जाता गुरु प्यारा जड़ा गुरु की टेक रख के चलता है हर जगह पर फतेह प्राप्त होंगी है। तो प्रभु परमात्मा आप अंग संग सहाई होके विचरता है, बख्शिशां सारियां आप परमेश्वर करता। हर गुण गावो सदा सुभाई, मन चंदे सगले फल पावो, जी कै संग साई। हे भाई, हे गुरमुखा, हे प्यारिया, फिर तू उस प्रभु परमात्मा दे गुण गायन कर। वो गुण गायन करन दे नाल सारियां बख्शिशां तैनू आपे ही प्राप्त हो जाणगियां। हर गुण गावो सदा सुभाई, मन चंदे सगले फल पावो। जो तेरा मनोरथ है गुरु तेरे अंग संग सहयोग के छे, तेरिया कामनावा शुभ भावनावा तेरिया संपूर्ण करता है। मन चंदे सगले फल पावो, जी कै संग सहाई। ते प्रभु परमात्मा तेरे हर वक्त अंग संग है। नारायण प्राण आधारा, हम संत जनारे नारा। पतत पलीत कर लेने, कर कृपा हर जसने। प्रभु परमात्मा हर वक्त तेरे अंग संग है। सारा कुछ बख्शिश करने वाला और प्रभु परमात्मा आप। नारायण प्राण आधारा, हम संत जना रे नारा। पतत पुनीत कर लीने, कर कृपा हर जस देने। ओ प्रभु परमात्मा हर वक्त तेरे अंग संग। हर दिन रहन कीर्तन गाइए, बहुत मजोनी पाइए। तो प्रभु परमात्मा का फिर गुण गायन करने नाल फिर जूना विच भटकना नहीं पैंदा। इन्हें टेढ़िया जूना तो सतगुरु आप अंग संग सहाई होके रखिया करता है। हर दिन रहन कीर्तन गाइए, बहुत मजोनी पाइए। जिस देवे पुरख बदाता, हर रस तिन ही जाता। जमकंकर निरण आया, सुख नानक सरणी पाया। तो गुरु की सरण में आ के सारिया बख्शा सानू प्राप्त होंदिया ने। दूसरे हुक्मनामे भी सतगुरु ने यही फरमान किया है,
सोठ महला पंजवा अविनाशी जीन को दाता। अविनाशी जो जिसते काल नहीं व्यापता, काल तो जो रहता है प्रभु परमात्मा अकाल पुरख, ओ साडे जियां दा रखवाला है। अविनाशी जीन को दाता सिमरत सब मलखोई, ते ओ प्रभु परमात्मा दा सिमरन करन दे नाल साडी जो इन्हां जमा तो हर वर्ग तो साडी खलासी हुंदी है, ओ अंग संग साडे साई होके कृपा बख्शिश करदा। अविनाशी जीन को दाता सिमरत सब मलखोई, जिहदा परमात्मा दा नाम सिमरन करांगे ते साडे मन दी मैल सारी लै जांदी है। गुण निधान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई, ते उस अवस्था विच गुरु दा प्यारा कोई बिरला ही ये बख्शिश नूं प्राप्त करदा है। जो प्रभु परमात्मा दा नाम सिमरन करना, जिन्हां सास ग्रास न विसरै हर नामा मनमंत, धन से सेई नानका पूरन सोई संत। जिन्हां न विसरे नाम से कन्हैया, भेद न जाणो मूल साईं जिहा। ते कोटन में कूदी गिनती विच कोई विरले हन जो इस बख्शिश दे पात्र बनते हैं। सो अखीर दियां पंक्तियां विच सतगुरु जी ने जो बख्शिश की के वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत कोई, ते वड्डे भागां वालियां नूं ही महापुरखां दा संग मिलदा है। महापुरखों के संघ में बख्शिया हुए की संगत करके दुरमत भाव भैड़ी मत दूर होंगी है, गुरमत की प्राप्ति होंगी है। गुरु की मत मर्यादा महापुरखों को ही प्राप्त होंगी है। गुरु की मत आने नाल नाम जपण जल करता है, सिमरन विच चित जुड़ जाता है। जिन्होंने गुरमत द्वारा आ के नाम की प्राप्ति की है, तिना बारे सतगुरु जी प्रमाण करते हैं। विच संगत हर प्रभ वसे जीओ, कहते तिन की धूर नानक दास बाछे, कहते मैं उन्होंने धूड़ी चाहता हाँ जिन हर नाम हृदय परोई। जिन्होंने गुरमत द्वारा आके नाम की प्राप्ति की है, ये महात्मा उन्होंने दसते ने संगत को महानता दी है। सत संगत विच आके ही साड़ा जीवन तब्दील होंदा है, सत संगत विच आके ही सारिया बख्शिशा प्राप्त होंदिया ने, सत संगत विच आके ही गुरु का मार्ग सानू प्राप्त होंदा है, सत संगत विच आके ही सानू जीवन का चज प्राप्त होंदा है, क्योंकि सत संगत नू महानता दिती है। जैसी संगत तैसी रंगत, जिहो जी कोई संगत करता है ओह जिही उहदा जीवन जो है वह निर्वाह होंदा है। जे चोर की संगत करन वाला वह भी चोरियाँ कर लग जाएगा, जुआरी की संगत का जुआ खेड लग जाएगा, और फीम खाने वाला फीम खाने अगे ला लेंदा है। तो ये संगत का रस है। भाई गुरदास जी ने सारिया के दृष्टांत दे के ये प्रमाण किया, चोर चोर की संगत सदा जोर या जुआरी की संगत नहीं सदा, फीम खाने वाला फीम खाने वाली की संगत नहीं करता। तो ये सारे कले कले का नाम गिण के ते फिर फरमान किया, गुरसिख साध संघ वसंदे, ते गुरु का प्यारा गुरु का सिख गुरु की संगत क्यों छे। गुरु की संगत विचों सारिया बख्शिशा प्राप्त होंदिया ने। गुरु की संगत विच आप जुड़े रहना है, तो इन्हां भैड़िया चीज़ों तो बच के जे गुरु की संगत विच आप जुड़े रहांगे तो फिर सब कुछ ही प्राप्त हो जाता है। तो नारद मुनि नूं बड़ी देर बाद जदों भगवान के दर्शन होए तो नारद ने एक बेनती की भगवान के चरणों में, कहन लगा हे प्रभु मैं आप जी के दर्शनों वास्ते बड़े लंबे अरसे तो भटकता फिरता रहा, पर किधरे भी मैनू आप जी के दर्शन ना होए। कहिंदा भटकता भटकता आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र लोक दित्ता धरे आदिपुरी च भी गया, उत्थे भी कि आप जी के दर्शन ना होए। हे प्रभु मेरे ते कृपा करो, मेरे ते दया करो, मेरे ते तरस करके मैं अपना पक्का थान ठिकाणा दसो जिथे मैं सीधा आ के आप जी के दर्शन कर लिया करा। भाई गुरदास जी प्रमाण करते हैं कि प्रभु ने नारद ते कृपा की दया की तरस करके प्रभु नारद नूं कहन लगा हे नारद जदों तेरा दिल चाहे दर्शन करने वास्ते तू सीधा आ के मेरे दर्शन कर लिया कर। कहिंदे मेरा पता नोट कर ला, लिख ला कि भुल ना जा।
की प्रमाण करते हैं, कहते निज घर मेरो साध संगत नारद मुन, कहते मेरा घर आ साध संगत का घर ही कहते मेरा घर है। साध संग निज घर मेरो साध संगत नारद मुन, दर्शन साध संग मेरो निज रूप है, तो जड़ा दर्शन है साध संगत का ये मेरा ही स्वरूप है। जे साध संगत का दर्शन वो मेरा ही दर्शन है तो कहते साध संग मेरो माता पिता कुटुंब सखा, तो जरा साध संगत मेरे माँ बाप भैन भरा जार दोत सुत श्रेष्ठ अनूप उत्तम पुत्र, तो कहते सही सुंदर सोहने साध संगत जन बने, कहते मैं वो सोहने प्यारे लगते ने जड़े सतसंगत विच आके जुड़ते ने बैठते हैं। एडा वड्डा महात्म जो बख्शिश किया भाई साहब भाई गुरदास जी ने, जो नारद मुनि दृष्टान दे के प्रभु परमात्मा ने यह बख्शिश की, आप जिस जगह पर विराजे हाँ जिस अंतर ध्यान में जुड़े बैठे हाँ ये उही स्थान है जिथों का नारद नूं भगवान ने सरनामा दिता सी। सो प्रभु परमात्मा का दर धन गुरु ग्रंथ साहब जी की गोद कदी नहीं छड़नी, अपनी टेक अपना निशाना सतगुरु जी ते हमेशा टका के रखना है। सो गुरमुख प्यारियो सभना नूं पता कि अजकल बारिशां पै रही ने, मौसम बड़ा सुहावना है, तो जो सावन का महीना चल रहा है तो ये जड़ा महीना विशेष तौर पर बनस्पति पौधे लाने का महीना खास तौर पर होंदा है। जिमें कि हुण झोने की फसल भी ये बारिशा ना पैन ये महीने दे विच ते झोने की फसल भी नहीं होंदी, बहुत कमज़ोर रह जाती है, और हर बनस्पति दे उत्ते इस बारिश का जड़ा असर पैंदा है। इन्हां दिनां दे विच कोई भी तुसीं पौधा ला दो तो एकदम ग्रोथ लैंदा चल पैंदा, जड़ां फड़ लैंदा पकड़ कर लैंदा है। और इन्हां दिनां दे विच सभनां नूं पता है कि भली प्रकार तुसीं जाणू हो कि अज कोई नवां संघर्ष नहीं, किन्ने लंबे सालां तों इह संघर्ष साडा चल रिहा है, और लखां पौधा असीं इत्थे आप तैयार करदे हां, तो इस वेले बड़े ही जोर शोर दे नाल इह सारा जो पौधे लाने की मुहिम बड़े जोर शोर के नाल चल रही है। रोजाना पौधे लगाए जाते हैं, रोजाना तैयारियां कीतियां जांदियां ने, और देश विदेश में कितने भी कोई बैठा दस की बेनती सुन रहा भावें किसी भी कंट्री में उत्थे भी तुसीं लाने की कोशिश करो। तकरीबन इन समय के हर कंट्री के मौसम सुहावना है, पर अज दुनिया भर इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ही हर कंट्री त्रास त्रास कर रही है, मौसम वातावरण देखद हो इतनी पोल्यूशन वही जा रही है, इतना नुकसान हो रहा है, इनिया बीमारियां वही जा रही ने सिर्फ पोल्यूशन कारण, तो पोल्यूशन खत्म करने वास्ते सानू दो निशाने मुख रखने जरूरी ने, एक तो जो वध तो वध आप ग्रीनरी पैदा करिए, दूसरे नाल सफाई रखिए। तो जे आप इस चीज़ पर कंट्रोल कर लाँगे तो इन्हों भैड़िया बीमारियों तो सानू राहत मिल सकती है। अज जो पंजाब की हालत देश भारत की हालत है वो सबना को कोई भुली नहीं, रोडां दे भी पेड़ कट्टे गए, खेतों के विच जे पेड़ सब कट्टे गए, तो दास ये बेनती कर देवे कि एक पेड़ लाउणा किसी एक व्यक्ति नूं जो जीवन दान देने दे बराबर है, जिनी आक्सीजन एक व्यक्ति ने लैनी है वो एक पेड़ एक व्यक्ति नूं आक्सीजन दिंदा है। तो जे आप इन्ने पेड़ ला दईए वध तो वध ला दईए तो कोई आक्सीजन तो भुखा वांझा रह ही ना सके तो कितनी वड्डी कृपा होगी। पिछले समय च ना बैड मिलने तो ना आक्सीजन, वो भी बड़ौटी आक्सीजन के सिलेंडर आप लभदे फिरदे हैं, तो क्यों ना आप फ्रैश आक्सीजन प्राप्त करिए, तो फ्रैश आक्सीजन ता ही होगी जे आप वध तो वध पेड़ लावांगे। सो इस मुहिम के नाल जुड़ो, जेडे साढ़े नाल रल के चल सकते ने साढ़े नाल चल के पौधे लगाओ, बहुत सारिया संस्थावां साढ़े नाल जुड़ चुकी ने, और जेडे आप सीधा डायरैक्ट काम करना चाहते ने बेशक आप डायरैक्ट काम करो, क्योंकि ये रल मिल के ही सारा काम चलना है। वध तो वध पेड़ लाओ,
जिन्हों भी किसी गुरमुख प्यारे पौद्या की लोड़ आ कित नहीं मिलते दास को आ जाए जितने पौधे कहे 100, 500, 1000, 2000, 10000 जितने जितने मर्जी लाने की कोशिश करो असं पौधे मुहैया करा। लेकिन शर्त एक है कि जोड़े पौधे लैके जाने ने उन्होंने पालना है, ये नहीं कि आप दुर्दशा कर देनी पौद्या की। तो इस मुहिम के नाल जुड़ के वध तो वध आपां जो वातावरण आप शुद्ध बना सकीए, इन्हां भैड़ियां बीमारियों तो छुटकारा पा सकीए। और जो इत्थे दानसर दे विच जो गड्डियां दी बहुमंजली पार्किंग जो बन रही है उहदी सेवा भी बहुत जोर शोर दे नाल चल रही है। जिहड़े गुरमुख बारे इस सेवा विच योगदान देना चाहुंदे ने भावें कोई 5 बोरियां शिमले रेता देवे बजरी देवे कुछ दवे कोई हत्थी सेवा करे, क्योंकि इत्थे कोई बाहर ग्राही करने इत्थों नहीं जाईदा, इत्थे दरबार विच कोई गोलक नहीं। जिन्ने कार्ज पिछों तों लैके होए ने सारे संगतां दे ही उद्यम ते उपराले सतसंगियां दे उद्यम उपराले नाल होए ने। एडे एडे वड्डे हाल बन गए, किड्डी किड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां खड़ गईआं, संगमर लग गए, शीश महल बन गए, कलश चढ़ गए सोने दे, ये संगतां दे जरिए होए ने। तो हुण भी संगतां दे जरिए सारा कार्ज चल रहे ने। बड़ी चढ़दी कला विच आपां बाबा जी दे घर दीआं खुशियां शीशां प्राप्त करिए, वध तो वध संजोग दे के ये जो एडे वे वे महान कार्ज चलते हैं उन्होंने जल्दी तो जल्दी संपूर्णता लियाइए। सो बाबा जी की बरसी का दिहाड़ा भी नेड़े आ रहा है, तो उस समय के सभना ने तनो मनो योगदान दे के कोई भी किसी ने कोई बरसी के संबंध में कोई ड्यूटी सेवा लैनी हो दसरियां दे नाल वो संपर्क कर सकता है। सो गुरमुख प्यारियो संगत उन्हां दी करो जिहड़े सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जोड़दे ने, जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नालों तोड़ के अपने मगर लाउंदे ने, उन्हां दी भुल के भी संगत नहीं करदी। भैड़े तमाम नशियां तो बचो, खंडे बाटे दा अमृत छको, गुरु वाले बनो, अपना आप गुरु नूं समर्पित करो, संगत महापुरखां दी करो, ते फिर आपां नूं की प्राप्त होवेगा? लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले, भुला चुकां दी खिमा प्यार सतपते बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।